24 फरवरी साल 2018 को एक ऐसी खबर आई थी जिसने बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक सभी को हैरान कर दिया था। ये खबर थी श्रीदेवी के निधन की। जी हाँ, आपने सही सुना, आज भी ये खबर सुनकर यकीन नहीं होता कि क्या सच में श्रीदेवी अब हमारे साथ नहीं है। श्रीदेवी की बाथ टब में डूबकर मृत्यु के राज से अभी तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी की मौत के अनसुने किस्से के बारे में बताएंगे, जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। श्रीदेवी उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे और बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवा की शादी में शामिल होने दुबई पहुंची थी। 21 फरवरी को अपनी बहन के बेटे की शादी का प्रोग्राम पूरा होने के बाद बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए बेटी खुशी के साथ वापस मुंबई लौट आए, जबकि शादी अटेंड करने के बाद श्रीदेवी 3 दिनों तक दुबई में ही रुकी थी क्योंकि वो बड़ी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग की वजह से एक्ट्रेस के साथ शादी में नहीं जा पाई थी। 24 की सुबह को श्रीदेवी से जब बोनी ने बात की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इस पर बोनी ने जवाब देते हुए कहा कि वो भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रीदेवी को फोन पर ये नहीं बताया कि उसी शाम की दुबई की फ्लाइट पहले ही बुक कर चुके हैं। 24 फरवरी को बोनी ने दुबई के लिए दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट ली। उन्होंने श्री को सरप्राइज देने के लिए पहले ही बता दिया कि मीटिंग में होने की वजह से वो अगले कुछ घंटे उनसे बात नहीं कर पाएंगे। बोनी शाम 6:30 बजे के करीब दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे, जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थी। उनको देखकर श्रीदेवी बेहद खुश थी। श्रीदेवी और बोनी में इसके बाद आधा घंटा बात हुई। इसके बाद दोनों ने रोमांटिक डिनर का प्लान बनाया और श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई, जबकि बोनी लिविंग रूम में टीवी पे मैच देखने लग गए। 15 से 20 मिनट के बाद जब श्रीदेवी नहीं आई तो उन्होंने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। बोनी ने जब धक्का देकर दरवाजा खोला तो वो बाथटब में पूरी तरह डूबी हुई थी। अंदर के नजारे से बोनी कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बोनी कपूर ने देखा कि श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही तो उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया। इसके बाद रात 9 बजे दुबई पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिनेत्री श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद कपूर फैमिली की ओर से बयान जारी किया गया कि उनकी मौत अटैक से हुई है। पूरे बॉलीवुड में ये सुनते ही मातम छा गया। बॉलीवुड की प्रिय चांदनी कहीं खो गई थी। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि श्री की मौत बाथटब में डूबने से हुई, और साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी पता चला कि श्रीदेवी ने अल्कोहल ले रखा था। इसके बाद से उनकी मौत सभी के लिए एक पहेली बन गई। बोनी का श्रीदेवी की मौत के 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना भी सभी के लिए शॉकिंग था। खैर, उस रात क्या हुआ ये अब तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस दुखद घटना ने बॉलीवुड से एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को छीन लिया। दोस्तों, आपको श्रीदेवी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप क्या कहना चाहेंगे श्रीदेवी की इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।